साथियों, केंद्र सरकार में एनडीए की वापसी पक्की देखकर इंडिया अलायंस के सारे नेता बौखला गए हैं, उनकी नींद उड़ गई है, उन्होंने संतुलन खो दिया है। अब उन्होंने पूरी ताकत से मोदी को गाली देना शुरू कर दिया है। इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारी लोग आजकल मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का खुद का परिवार ही नहीं है, इसलिए मैं परिवारवाद के खिलाफ बात कर रहा सकता हूं। ये लोग जानना चाहते हैं कहां है मेरा परिवार। और आज जानते चाहे मोदी परिवार को था है। इन घोर परिवारवादियों को जरा यहां आकर के नजर डाले। मेरे देश की ये बहनें जो यहां बहुत बड़ी संख्या में आई हैं, जो देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है, यही तो है मोदी का परिवार, यही तो है मोदी का परिवार। एटाई तो आमार परिवार। बंगाल की हर माताएं बहने, ये मेरा परिवार है। बांग्ला प्रत्येक माँ बोनेरा अमर परिवार। मोदी के शरीर का कण कण और जीवन का पल पल इसी परिवार के लिए, देश की मातृशक्ति के लिए समर्पित है। जब मोदी को कोई भी कष्ट होता है तो यही माताएं, यही बहनें बेटियां कवच बनकर मोदी की रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है। आमार जोन्नो बांग्लार मा बोन दुर्गार मोतो उठिए ताराय। आज हर देशवासी खुद को मोदी का परिवार कह रहा है। आज देश का हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर बहन बेटी कह रही है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं आमिर मोदी परिवार। माताएं बहने, आज जब इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों के बीच आया हूं, तो मैं जीवन का एक पहलू जिसके विषय में आमतौर पर मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन आज जब माताएं बहनें बैठी हैं तो बोलने का मेरा मन कर जाता है। बताऊं
मैं बताऊं, पहले कभी नहीं होता था, लेकिन आज मन करता है बता दूं। कुछ लोगों को लगता होगा कि किसी राजनेता ने मुझे गाली दी और इसलिए मैं इन सबको मेरे परिवार कह रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई बताना चाहता हूं। मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़ करके एक झोला लेकर के चल पड़ा था। परिव्राजक की तरह देश के कोने कोने में भटक रहा था, कुछ खोज रहा था। मेरे जेब में कभी एक पैसा नहीं रहता था। लेकिन आपको जान करके और देशवासियों को जान करके गर्व होगा, मेरा देश कैसा है, मेरे देश की माताएं बहनें कैसी है, मेरे देश का हर परिवार कैसा है। जेब में एक पैसा नहीं होता था, न भाषा जानता था, कंधे पर एक झोला लटकता था और मैं देखता था कोई न कोई परिवार, कोई न मां बाप, कोई बहन, पता नहीं क्या कारण वो मुझे पूछ लेते थे कि भाई बेटे कुछ खाना वाना खाए हो कि नहीं खाए हो। और मैं आज देशवासियों को बता रहा हूं, सालों तक मैं परिवार से रहा हूं, कंधे पर झोला लेके घूमता रहा हूं, जेब में एक पैसा नहीं रहा, लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा। और इसलिए मैं कहता हूं यही मेरा परिवार। 140 करोड़ देशवासी, ये मेरा परिवार। जब मेरी कोई जान नहीं पहचान नहीं थी, कंधे पर झोला लेकर के भटकता हुआ एक नौजवान, और उस समय देश के गरीब से गरीब परिवार ने जहां गया वहां